आई एम साक्षी, वेलकम टू आवर चैनल जहां हम लाते हैं एंटरटेनमेंट से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट। वैसे हम बात करें साउथ की एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना के बारे में, तो आपको बता दें कि रश्मिका मंदाना हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस में शामिल हो चुकी हैं और इनकी मांग तो पूरे इंडस्ट्री को है। जी हाँ, साउथ इंडस्ट्री को नहीं बल्कि बॉलीवुड इंडस्ट्री भी रश्मिका मंदाना को अपनी फिल्मों में लेना चाहती है। वहीं आपको बता दें कि उनकी किटी में कई सारी फिल्में हैं और बड़े बड़े एक्टर्स के साथ है। अब लेटेस्ट रिपोर्ट ये आ रही है कि साउथ डीवा को मेगा पावर स्टार रामचरण के साथ एक और बड़ी प्रोजेक्ट मिली है। रिपोर्ट्स के अनुसार रश्मिका रामचरण के साथ शंकर की पैन इंडिया फिल्म में एक फीमेल लीड भूमिका निभाने के लिए बातचीत कर रही हैं। फिल्म का नाम अभी फिलहाल फिक्स नहीं है, लेकिन इसे RC-15 का नाम दिया जा रहा है। निर्देशक शंकर इस भूमिका के लिए रश्मिका मंदाना को लेने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। निर्माताओं के करीबी सूत्रों ने कहा है कि प्रोडक्शन हाउस एक्ट्रेस की टीम के साथ बातचीत कर रही है और वे जल्द ही शायद हाँ कह दें। निर्देशक शंकर इस भूमिका के लिए एक प्रसिद्ध एक्ट्रेस को लेने के लिए काफी एक्साइटेड हैं। उन्होंने रश्मिका को चुना है। निर्माताओं के करीबी सूत्रों ने कहा है कि प्रोडक्शन हाउस अभिनेत्री की टीम के साथ बातचीत चल रही है। हालांकि एक्ट्रेस और निर्माताओं की ओर से इस बारे में कोई भी आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं आई है, लेकिन हमें इस घोषणा का इंतजार है। वैसे आपको बता दें कि फिल्म में अन्य भूमिका के लिए भी कियारा आडवाणी को चुना गया है। जी हाँ, कियारा आडवाणी इस फिल्म में नजर आएंगी। अगर रश्मिका इस फिल्म का हिस्सा बनती हैं, तो रामचरण और कियारा के साथ यह उनका पहला प्रोजेक्ट होने वाला है। RC-15 प्री प्रोडक्शन चरण में है और फिल्म की शूटिंग जल्द ही शुरू होगी। दिलराजू द्वारा निर्मित इस प्रोजेक्ट की अखिल भारतीय रिलीज होगी। फिल्म सितंबर के पहले हफ्ते में फ्लोर पर जा सकती है। अब देखना ये काफी दिलचस्प होने वाला है कि दर्शकों को रामचरण कियारा आडवाणी की जोड़ी पसंद आती है या नहीं, या फिर रामचरण और रश्मिका की नई जोड़ी उन्हें पसंद आएगी। थैंक यू सो मच की वॉचिंग फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज एंड अपडेट।